रोगी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमारे जहाज में जो कुछ भी इलाज हो सकता था हमने किया। अगर वो आज की रात किसी तरह से काट ले तो बोट पे उतरते ही कुछ हो सकता है। पुरुषोत्तम लाल, जरा मेरे करीब ही बैठ जाओ। आप आराम से लेटे रहिए, ज्यादा बात करने से तबीयत आपकी और बिगड़ जाएगी। लेकिन दो एक जरूरी बातें करनी है, फिर शायद वक्त न रहे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं जानता हूं मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन दुख सिर्फ इसी बात का है कि शायद अपने बीवी और बच्चे को आखिरी बार न देख सकूंगा। तुम तो जानती हो कि जब मुझे अपने देश में किसी भी काम में कामयाबी न हुई तो अपने रिश्तेदारों के तानों से घबराकर मैं भी तुम्हारी तरह लाचारी की हालत में बर्मा भाग आया था। बर्मा में किस्मत ने साथ दिया और मैंने अपनी मेहनत से जो अच्छा खासा कारोबार जमा दिया था वो तो तुम देख ही चुके हो। पहले मैं हर महीने अपने बीवी और बच्चे को कुछ रुपए भेजा करता था, पर दो महीने से लड़ाई की गड़बड़ में कुछ ना भेज सका। मैंने सोचा था कि एक दिन में एक बहुत अमीर आदमी बनकर अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचूंगा, लेकिन किस्मत यहाँ धोखा दे गई। शत्रुनाथ, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? आप इससे पहले भी मुझे दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है, अब इस तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। परशोत्तम, मेरे सिरहाने के नीचे एक बैग है, जरा निकालो तो। अच्छा, इस बैग में मेरी जिंदगी की सारी कमाई, करीब 50,000 रुपया और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कागजात मौजूद हैं। इन्हें मेरी बीवी तक पहुंचा देना भाई, उनका पता इस बैग ही में मौजूद है। लेकिन आप इस कदर परेशान क्यों हो रहे हैं? पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें कर्से से जानता हूं और मुझे यकीन है कि तुम एक सच्चे और ईमानदार आदमी हो। मैं ये भार तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। वादा करो भैया कि तुमने ये भार ले लिया। वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं उन तक ही पहुंचा दूंगा, जरूर पहुंचा दूंगा। अब मुझे शांति मिली। ये लो उनकी अमानत। और ये तो बुझ गया। माँ जरा माचिस दो तो। रात बहुत हो गई बेटा, अब तो तू सो जा। नहीं माँ, अभी नहीं, बस थोड़ा और पढ़ लूँ। माचिस कहाँ रखे तुम बता दो ना। माचिस तेरी चाची के पास। चाची जी के पास? अरे अरे, इस वक्त मांगने जाएगा तो वो गुस्सा करेंगी। जरा माचिस मांगने में गुस्सा करने की क्या बात है बेटा। चाची जी, क्यों रे, क्या चुरा रहा है? चोरी क्यों करूं, मैं तो सिर्फ माचिस लेने आया हूँ। माचिस लेने आया हूँ, सब सब पता क्या चुराया है? क्या हुआ दीदी? मेरा सर। अरे अरे, भागता कहाँ है? क्या बात है दीदी? दूध पिला पिला कर किस सांप को तुम पाल रही हो, अपनी आंखों से देख लो। वहाँ खड़ा चोरी कर रहा था। तुम बिल्कुल झूठ बोलती हो। हेलो, एक तो चोरी करता है, दूसरा आंखें दिखाता है। प्रदीप ने क्या किया है बहन? है रे मेरी भोली भाली, तुम तो बिल्कुल दूध की धूली हो, कुछ जानती ही नहीं। खुद अपने लड़के को चोरी करने के लिए भेजकर पूछने चली आई है। प्रदीप ने क्या किया? क्या कह रही हो बहन? मैंने बच्चे को चोरी करने भेजा? जरूर भेजा है। अरे अगर माँ ना सिखाए तो क्या बच्चा कभी ऐसा पाप कर सकता है?
किस तरह की जली कटी बातें कर रही हो। और दीप के पिताजी के घर से चले जाने के बाद हम बिल्कुल बेसहारा हो गए। देवर जी ने तरस खाकर हमें आसरा दिया। अब झूठे इल्जाम लगाकर हम मां बेटे को रुसवा करके तुम्हारा कोई भला ना होगा। लो और सुन लो छोटी बहू, महारानी के सपूत को रंगे हाथों चोरी करते पकड़ लिया तो लगी शाप देने। भला इस आधी रात के वक्त इतना तूफान क्यों मचा रखा है? क्यों मचा रखा है? मैं कहती हूँ सारे बखेड़े की जड़ तुम हो। तुम बखेड़े की जड़ तो नहीं, पर आखिर बात क्या है कुछ समझाओ भी। तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। ऐसे छिपू आदमी के पल्ले पड़कर मुझे तो उम्र भर का रोग लग गया। सहने की भी कोई हद होती है, अब नहीं सहा जाता। आज की रात तो खैर जाने दो, लेकिन कल सुबह होते ही तुम अपने इन चहेते रिश्तेदारों के कुंबे को घर से निकाल बाहर करो। या तो इन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा या फिर मैं ही कहीं चली जाती हूँ। ये तो समझा, या इन्हें जाना पड़ेगा या फिर तुम ही कहीं चली जाओ, पर असल बात तो एक बार समझा दो। अगर तुम्हें इतनी समझ होती तो रोना किस बात का था। कल्याणी बेचारी तो गाय है गाय, न जाने कितने दुख सहने के बाद बेचारी के मुंह से जरा सी आवाज निकली है। अगर छोटी बहू यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी चली जाऊंगी। तुम क्यों कहीं जाओगी बहन? हमारे कारण जब यहाँ इतनी खटपट रहती है तो हम ही कहीं चले जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता था कि यानी ये झगड़ा तो तुम्हारा रोजी, इसमें चले जाने का तुम चुप रहो। यानी मैं कहता था जब तुम कह रही हो तो उनका यहाँ से चले जाना ही शायद ठीक है, लेकिन कल्याणी सोचता हूँ धर्मचंद भैया। मैं जाने तुम्हारा धर्मचंद भैया वर्मा वर्मा कहाँ फरार हो गया है। वो क्या अब कभी लौटेगा? लौट चुका। पहले तो थोड़े बहुत पैसे भेजा करता था, वो भी पिछले 4 महीनों से नहीं भेजे। इन भूतों का खर्च कौन उठाए? तो बस भगवान ही का आसरा, वही हमें कोई रास्ता बताएंगे। भाई जरा सामान उठा देना। तुम आ गए? नरेश, मिनू, बेटा जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी आ गए। क्यों? खुश रहो, खुश रहो। अंदर आ। अच्छा अच्छा, मैं सामान उठा लूं फिर अभी आता हूं। भगवान शुक्र है तेरा। अरे भाई, सुना है कि पुरुषोत्तम की तो काया ही पलट गई है। पलटेगी नहीं, अजी साहब बर्मा से मालामाल होकर लौटा है। अब ये तो राम ही जाने कि वो मालामाल होकर लौटा है या कंगाल। भाई साहब, जिसे पहनने को फटा जूता तक नसीब नहीं होता था, वही शख्स अगर टैक्सी पर सवार होकर आए तो मानना पड़ेगा कि कहीं बड़ा गहरा हाथ मारा है। अरे भाई, इतनी देर हो गई, बाहर तो आता ही नहीं। सुनो, मुझे कुछ रुपए दे दो। रुपए? ऐसे ही तो नहीं मांगे, बहुत जरूरत है तभी मांग रही हूँ। तुम्हारे परदेश चले जाने के बाद मैंने किस मुसीबत के साथ उधार ले लेकर के घर चलाया है। लक्ष्मीदास जी की बहू बेचारी ने मेरी खास तौर पे मदद की है, अब उधार चुका देना चाहिए। और कुछ जरूरी चीजें भी खरीदनी है। उधार जरूर चुका देंगे, लेकिन बाकी चीजें खरीदने के लिए पैसे अभी नहीं। नहीं तो तुम समझते हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने तुम्हारा बक्स खोल के देखा था, उसमें सब रुपए रुपए तो भरे पड़े हैं। वो क्या जमीन में गाड़ के रखोगे? गाड़ रखने के लिए या खर्च करके उड़ा देने के लिए पैसे मेरे पास नहीं। तुम इतना समझ रखो कि ये जो कुछ भी है इस पर हमारा कोई हक नहीं। समझी, तो तुम्हारा मतलब यही है ना कि मैं इन पैसों में हाथ तक नहीं लगाऊं। ठीक है, मैं नहीं लगाऊंगी। ठहरो, ये लो 50 रुपए, लेकिन हो सके तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो समझना चाहिए मैं अच्छी तरह समझ गई, लेकिन तुम ये सारे पैसे लेकर के कहां जा रहे हो? इन्हें ठीक जगह पर पहुंचा देने के लिए। आपके दर्शन करना तो हमारा फर्ज है, बल्कि हम तो आपको अपने क्लब का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। फरमाइए कितना चंदा लिख दें। अरे भाई, तुम भी कहां ये ड्रामा क्लब का चंदा फंदा लेकर बैठ गए, मिल जाएगा। देखिए पुरुषोत्तम लाल जी, हमारे जनहितकारी मंडल के लिए अगर आप चंदा नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? आपको एक मोटी रकम देनी पड़ेगी। हाँ, क्लब का चंदा, मंडल का चंदा, मुझे मालदार असामी समझकर आप लोग पैसे वसूल करने के लिए आए हैं। आप लोगों का भी जवाब नहीं। मोहल्लेदार होने के बावजूद
मेरी गैर हाजिरी में किसी ने एक बार छांक कर भी नहीं देखा कि गरीब पड़ोसी के बीवी बच्चे जिंदा हैं या मर मरा गए। और आज खैर, चंदा मंदा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आप लोग चले जाइए यहाँ से। चलो भाई चलो, जो घर में आए हुए लोगों का अपमान करता है उसे नीचे और कोई नहीं। पैसों का घमंड ज्यादा दिनों नहीं कायम रहा करता, याद रखना। लानत भेजो ऐसे आदमी पर। आप तो देखो सातवें आसमान पर हैं। होता जनाब बात एक है ना। तो मैं कह रहा हूं मजे में तो रहना। अरे मैं क्या मजे में रहा, मजे तो तुम करके आए हो। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, पर तुम आ गए हो तो चलो थोड़ी देर अंदर बैठो। नहीं कुछ जरूरी काम हो तो? हाँ काम कुछ जरूरी ही था लक्ष्मीदास, बैठो। हाँ भाई, अब तो तुम्हारी बैठक में बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो सच्ची बात है, जहाँ गुड़ होता है वही मक्खियां आती। मालूम होता है कि बर्मा से कुछ गहरी कमाई करके आए हो। देखो मेरी सलाह तो ये है कि तुम कोई अच्छा सा धंधा यहीं पे खोल लो, और नहीं तो मेरे साथ शेयर मार्केट में ही चलना शुरू कर दो। आदमी तुम भाग्यवान हो, दो ही दिनों में सारा मार्केट मुट्ठी में कर लोगे। लक्ष्मीदास यकीन करो, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं। समझ गया मैं समझ गया। यानी तुम चटपट कोई काम नहीं करना चाहते, यही ना? अच्छी बात है, सोच लो, अच्छी तरह सोच विचार कर जवाब देना। तुम बाहर जा रहे थे ना, तो अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं रोकूंगा। चलो चलो। एक टिकट। क्यों भाई, रसूलपुर किधर है? रसूलपुर गांव यहां से तो काफी दूर है, आप सीधे पूरब को चले जाइए। अच्छा। तुम जा रहे हैं देवर जी? तो सचमुच ही जाने की तैयारी कर ली? हाँ, आपने इतने दिन आसरा देकर जो मुझ पर उपकार किया, उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकूंगी। ना ना, क्या उपकार कर पाया हूँ, बल्कि तुम ही यहाँ दिन रात काम के बोझ से लदी रहती रही। चाचा को प्रणाम करो बेटा। ना बस इतना आशीर्वाद दो कि मेरा प्रदीप। आशीर्वाद तो मैं तन मन से देता हूँ भाभी, पर जब तुम्हें जाना ही है तो मैं कहता था कि यानी कम से कम इस वक्त का खाना खाकर ही। खाना खाकर क्यों? नहाकर खाना खाकर जरा आराम कर चली जाती तो और भी अच्छा होता। बड़ी ममता उंधी आ रही थी, और प्रदीप की माँ तुमसे भी क्या कहूँ, तुम्हारी आदत भी कभी नहीं सुधरेगी। जाने से पहले देवर के कान भरने से बाज नहीं आई ना? कान भरने नहीं आई थी, जाने से पहले। रहने भी दो दिखावा। प्रणाम करो बेटा। छी छी, प्रणाम करो ना। देखा छोटी बहू, देख ली ना इस छोकरे की हमाकत, जाने से पहले बड़ों की पांव की धूल तक नहीं लेता। मैं कहती हूँ ये लड़का एकदम चौपट हो जाएगा, चौपट। भगवान करे नाश हो जाए इसका, सर्वनाश हो जाए। रसूलपुर गांव यहाँ से कितनी दूर है? आप इधर घूम जाइए, नदी पार करके रसूलपुर गांव है। चेतरे मूरख चेतरे अवसर बीता जाए जिसकी तो है तलाश है वो तो है ढूंढ न जाए। हाँ
रख तू क्या जाने, तूने सब कुछ आज गवाया, तूने सब कुछ आज गवाया। तुझे किस्मत ढूंढ रही थी पर तू पहचान न पाया, तूने सब कुछ आज गवाया। ये मूर्ख तू क्या जाने, तूने सब कुछ आज गवाया, तूने सब कुछ आज गवाया। रे मूर्ख तू जाने। ये अंधों की नगरी है, आंखों में भरम की जाली, पर सबके सब है शिकारी। ये अंधों की नगरी है, आंखों में भरम की जाली, पर सबके सब है शिकारी, पर सबके सब है शिकारी। क्या सोच के ओ मेरे हिरना, तू इस दुनिया में आया, तूने सब कुछ आज गवाया। रे मूर्ख तू क्या जाने। ये भी न कोई पूछेगा, आए हो कहां से मुसाफिर, क्यों भटक रहे हो दर दर। भी न कोई पूछेगा, आए हो कहां से मुसाफिर, क्यों भटक रहे हो दर दर, क्यों भटक रहे हो दर दर। माया के इस फंदे में, क्यों जान के पैर फंसाया, तूने सब कुछ आज गवाया। रे मूर्ख तू क्या जाने, तूने सब कुछ आज गवाया, तूने सब कुछ आज गवाया। लेकिन वो कहाँ गए हैं, अगर इस बात का पता चल जाता पता तो ये हमें ही नहीं मालूम, तो इन्हें क्या बताएं। अगर किसी तरीके से उनका ठिकाना जाना जा सकता तो अच्छा होता, उन्हीं की भलाई के लिए मेरा उनसे एक बार मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें जो कहना है हमें बता दो, अगर वो कभी मिले तो आपका संदेशा दे देंगे। आपको नहीं बता सकता, ये मेरा पता है जी। आपको उन लोगों की कोई खबर मिले तो मेहरबानी करके आप मुझे इतला कर दीजिएगा। जरूर। अच्छी बात, नमस्ते। नमस्ते। मेहरबानी करके इतला कर दीजिएगा। लाओ तो पुर्जा, हम पर विश्वास न करके हमें असल बात तो बताता ही नहीं और हुक्म चला के चला गया है। ओ जी, अजी जरा सुनिए तो। कहिए कहिए कहिए। आप रविवार को एक बार फिर आ सकते हैं? रविवार मतलब ये है कि बेचारे जाएंगे कहाँ, किसी आसपास के गांव में ही होंगे। मैं कुछ तो आज ही कोशिश कर देखिए ना, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। देखिए बात ये है कि 5-7 गांव में खोजना पड़ेगा, आप कहाँ कहाँ मेरे साथ भटकते रहेंगे, लेकिन रविवार को आइएगा जरूर, मैं स्टेशन पर ही आपका इंतजार करूंगा। जरूर आइएगा। अच्छी बात। सुबह 10 बजे। ओ, घर ही में हो भाई। ये बर्मा से लौटने के बाद तो तुम घर में से निकलते ही नहीं है, माजरा क्या है? मैं पूछता हूं कि बैठे बैठे मौज ही करोगे या कुछ काम धंधा शुरू करने का भी इरादा कर लिया? मेरे साथ शेयर मार्केट में ही चलना क्यों नहीं शुरू कर देते, 10-20 हजार चुटकियों में कमा लोगे। लक्ष्मीदास, चुटकियों की हुई कमाई चुटकियों में उड़ जाती। तो जाने दो, गोली मारो शेयर मार्केट को, अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो जाने दो। मैं एक और बहुत बढ़िया प्रपोजल लाया हूं, कपड़े का एक मिल कौड़ियों के क्या मैं कहता हूं मिट्टी के मोल बिक रहा है। बोलो है विचार खरीदने का? मिल मैं खरीदूं? जरूर खरीदो। अरे किस्मत खुल जाएगी पुरुषोत्तम, मैं आज बता देता हूं कि जो लोग लड़ाई के डर से अपना सब कुछ बेच बाज कर भाग रहे हैं ना, वो बिल्कुल बेवकूफ हैं और बाद में देख लेना पछताएंगे। एक दिन इनकी मिट्टी के मोल बिकी हुई चीजें इसी बाजार में सोने से भी ज्यादा महंगी बिकेंगी, समझे? समझने का कोई फायदा नहीं लक्ष्मी भैया, मेरे पास खरीदने के लिए दाम ही नहीं।
अरे काहे को घर आई हुई लक्ष्मी को पांव से ठेल रहे हो? मैं कहता हूं ऐसा मौका मत गंवाओ पुरुषोत्तम, नहीं तो बाद में हाथ मलमल के पछताओगे। बैठे बैठे खाने से एक दिन कारों का खजाना भी खाली हो जाता है। तुम्हारे भले की बात कहना मैं अपना फर्ज समझता हूं, मेरी बात पर गौर जरूर करना। हाँ हाँ, मैं अब चलता हूं। मैं कहती हूँ अपने दोस्त की बात मानकर कुछ धंधा शुरू कर ही लो तो अच्छा है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है बताओ तो, मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। सर पर कर्ज का बोझ, कई महीनों से मकान का किराया तक नहीं दिया, मकान मालिक ने नालिश कर दिया तो सर छुपाने को भी जगह नहीं रहेगी। अभी तुम इन पैसों को नहीं छूने दोगे? मेरी तो खैर बात जाने दो, अपने बच्चों पर भी तुम्हें कर्ज दिया। कई बार पहले भी तुमसे कह चुका हूँ और आज फिर बताता हूँ कि ये पैसे हमारे नहीं, इन पर मेरा कोई हक नहीं। बाबू एक पैसा दे दो बाबू, मुझ पर नहीं तो इस बच्चे पर ही तरस खाओ बाबू। भगवान तुम्हारा भला करे। दोनों बच्चे बेचारे भिखारियों की तरह से चिथड़े लपेटे घूमते हैं तो भी तुम्हें ख्याल नहीं आता? इसी बाजार में उनकी मिट्टी के दर्द की हुई चीजें सोने से भी महंगी हो जाएगी, समझे? सर पर कर्ज का बोझ, कई महीनों से मकान का किराया तक नहीं दिया, मकान मालिक नालिश कर देगा तो सर छुपाने को भी जगह नहीं रहेगी। अभी तुम इन पैसों को नहीं छूने दोगे? मैं पूछता हूँ क्यों घर आई लक्ष्मी को पांव से ठेल रहे हो? ऐसा मौका मत गंवाओ पुरुषोत्तम। चौमा मैं जला लेता हूँ। रहने दे बेटा, तू इस झंझट में क्यों पड़ेगा? अच्छा जाकर थोड़ा कुएं से पानी तो ले आ। तुम्हारा बच्चा तो बड़ा होनहार है बेटी, मैंने देखा है कि हर काम में तुम्हारी सहायता करता है। हाँ बेटी, ये झोपड़ियाँ तो मेले के लिए बनाई गई थी, अब तोड़ दी जाएगी। कुछ सोचा तुम कहाँ जाओगी? शहर में हमारे एक दूर के रिश्तेदार रहते हैं, सोचती हूँ उन्हीं के पास चली जाऊं। बच्चे के लिए मुझे शहर जाना ही होगा। आपने यहाँ रहने देकर जो दया हम पर की है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद। अरे नहीं नहीं बेटी, ये क्या कह रही है? मैं कौन? भगवान ने तुम्हें आश्रय दिया है, तुम उन्हीं को धन्यवाद दो। अच्छा अब मैं चलूं। छी 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 छी, पूरी माँ मंदिर आज इतनी जल्दी बंद हो गया? अरे प्रदीप की माँ जी अभी तक यहाँ है? क्यों बहू, अब यही रहने का विचार कर लिया है क्या? नहीं बहन, पुजारी जी ने मेहरबानी करके आसरा दिया था, बस कल ही यहाँ से चले जाएंगे। हाँ तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है, यहाँ रहकर हमें झूठ मूठ बदनाम करना भी तो ठीक नहीं। हाँ सच, तुम मिल गई हो तो वो बात कह देना ही ठीक है। सुनो, जाने से पहले क्रिया कर्म वगैरह आखिरी संस्कार सब यही पूरे कर लो तो ठीक है। किसका आखिरी संस्कार बहन? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं झूठी बात नहीं कह रही, धर्मचंद बेचारे का कोई दोस्त आकर यही खबर दे गया है कि तुम्हारा धर्मचंद, उसी की बात तुम्हें बता रही हूँ। अरे बनाकर झूठी बात कहना तो मुझे आता ही नहीं। चलो माँ बताओ क्या हुआ, तुमने माँ को क्या कहा? बताओ क्या कहा? वो
मारेगा क्या? हाँ मारूंगा। इतना हमें घर से निकाल देने पर भी तुम्हारा क्लेयर ठंडा नहीं हुआ और अब माँ को सताने के लिए यहाँ तक चली आई हो। तुम्हारे जैसे डैन को मारने से कोई पाप नहीं होता। जा चली जा यहाँ से। अरे जिस बाप के सर पर इतना करता है वो तो कब का मर मिट चुका। तुमने उस मिल के बारे में कहा था ना? मिल में खरीदूंगा। मैं जानता था कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आखिर अकल आ गई ना? बैठ बैठ। नहीं नहीं बैठने का वक्त नहीं। तुम मुझे अभी वहां ले चलो। भाई इतने बड़े काम में हाथ डाल रहे हो तो कोई शुभ घड़ी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। मैं पूरी तैयारी के साथ आया। वो मिल मुझे चाहिए। जब इस तरह कदम उठा लिया है तभी सोच विचार कैसा। भाई तो सब देख लिया तुमने। मिल छोटा जरूर है पर है मुकम्मल। बढ़ाने के लिए गुंजाइश काफी है। बढ़ाना ही होगा। जब इस रोज कदम बढ़ा चुका हूँ तो चक्के को घुमा कर बिल्कुल ठीक दो है माँ। अगर एक भी कंकर हो तो कहना। अरे तुम इतनी देर से सब मिल मिलाकर कुएं पर क्या गुल खिला रहे हो? कुएं से पानी निकालने में तकलीफ ना हो ऐसी तरकीब कर रहे हैं। क्यों ना हुआ काम? ये लो डब्बे। ये तो बहुत कम पड़ेंगे। जो और ढूंढ के लाओ। ए छोकरो ये क्या गड़बड़ लगा रखी है? हटा दो यहाँ से वरना सब तोड़ फोड़ के फेंक दूंगा। हाँ तोड़ोगे क्यों? ये तो मैंने पानी निकालने की मशीन बनाई है। बन चुकी तुम्हारी मशीन। बनाया अबे हट बे। पानी भरने दे। पानी निकालने की मशीन बनाई। चल चल पानी हमारी जिंदगानी ये चल के रुक ना जाने ना। चल चल पानी हमारी जिंदगानी ये चल के रुक ना जाने ना जाने ना। बड़ी अलबेली ये बड़ी मस्तानी ये दुनिया के बंधन माने ना माने ना। हर पल जल जल रही राह बदल रख है जो पहले जाने ना। जीवन बहता पानी लेकिन किसकी धार को देखो। कहने को जीवन बहता पानी लेकिन किसकी धार को देखो। पिसती हुई चट्टान को देखो कटते हुए पहाड़ को देखो। ओ पहाड़ को देखो। चल चल पानी हमारी जिंदगानी ये चल के रुक ना जाने ना जाने ना। बड़ी अलबेली ये बड़ी मस्तानी ये दुनिया के बंधन माने ना माने ना। हर पल जन चल रही राह बदल वो रख है जो पहले जाने ना। Thank you.
नहीं दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे? अच्छा मैं देख लेता हूँ। ओ आप तो खुद ही आ गई, आप क्या मेरी नौकरी छुड़वा देना चाहती हैं? नायब जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। अरे भाई अगर तुम किराया नहीं दे सकती हो तो उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और रास्ता नापो। जेब में किराया देने को तो पैसा नहीं, ऊपर से छोकरे की बदमाशी देखिए कुएं की क्या हालत बना रखी। लेकिन तुम्हारा किराया? जी मेरा किराया वो तो मिल जाएगा सरकार, बहुत जल्दी मिल जाएगा। हाँ तो आपने क्या कहा, भाड़ा कब मिलेगा? दे दूंगी, बस कुछ दिन की मोहलत और दीजिए, मैं सारा बकाया चुका दूंगी। ये सब तुम्हारी कारस्तानी है ना? हाँ। लेकिन ये सब है क्या? इसे पानी निकालने में बड़ी आसानी थी। देखिए मैं सब कुछ हटवा देती हूँ नायब जी। रहने दो, तुम क्या करते हो, स्कूल स्कूल जाते हो? नहीं घर पर ही कुछ पढ़ लेता हूँ, स्कूल भेजने की हिम्मत ही कहाँ है नायब जी। दो बार के लिए अंतक जुटाना तो मुश्किल है, बच्चे की फीस कहाँ से दूंगी? जिसके भरोसे हम शहर में आए थे उसने तो हमारी तरफ देखा तक भी नहीं, अब तो जैसे तैसे जिंदगी के दिन काट रही हूँ। आपका बेटा बहुत होनहार है, हमारे सेठ जी जिस स्कूल के प्रेसिडेंट है ना, इसे मैं वहाँ भर्ती करवा दूंगा और कह सुनकर इसकी फीस भी माफ करवा दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी नायब जी, इसकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो सके, मैं इसीलिए शहर आई थी, मेरी आस उम्मीद सब कुछ बस ये प्रदीप ही तो है। अच्छा आप कल सुबह इसे 8 बजे तैयार रखिएगा, मैं आकर इसे ले जाऊंगा। प्रदीप 8 तो बज गए हैं, नायब जी आने ही वाले होंगे, तू तैयार हुआ कि नहीं? बस माँ हो गया। अरे ये बटन मार, ये बटन तो खोल दो। देखो मेरे पगले बेटे की बात, बिन बटन खोले ही कमीज पहनेगा। बेटा प्रदीप तैयार हो गए? जी। अच्छा जाओ। बेटा तैयार हुआ कि नहीं? तूने तो कहा था 8 बजे ही जाना है। बस हो गया माँ। ओ ये बटन, तुम जरा बटन खोल दो। तेरा बचपना अभी तक नहीं गया, इतना बड़ा हो गया है लेकिन ठीक बच्चों की तरह बटन खोले बिना ही कमीज पहनेगा। ओ माँ तुम्हें उपदेश देने की पड़ी है और मुझे मिल भागने की, जानती हो आज मैं एक नई मशीन फिट करूंगा। की काफी देर हो गई पर ये मशीन तो चलती ही नहीं, मालिक के आने का टाइम भी हो गया है। बेफिक्र रहो सब ठीक हो जाएगा। भाई जॉन स्विच ऑन, स्विच ऑन। स्टार्ट हो गई प्रदीप जी, स्टार्ट हो गई। तो नई मशीन चालू हो गई।
कैशियर को दो। पुरुषोत्तम भाई, आज कुछ उदास से दिख रहे हो। नरेश की चिट्ठी आई? नहीं, पर मैंने उसे लौटने के लिए लिख दिया। बहुत अच्छा किया। अब उसके कंधों पर काम काज का भार डालकर तुम जरा निश्चिंत हो सकोगे। अब ये तो राम ही जाने कि मैं निश्चिंत हो भी सकूंगा या नहीं। क्यों, तुमने उसे 5 साल तक विलायत में ट्रेनिंग दिलवाई है तो क्या यूं ही? अरे भाई, अब इस मिल का भार तो उसे ही संभालना चाहिए। जो चाहिए वो क्या हमेशा हो ही जाता लक्ष्मीदास? अब तुमसे क्या छिपाऊं? नरेश अपनी माता की मौत पर मेरे कितने ही टेलीग्राम भेजने के बावजूद भी नहीं लौटा। अब ऐसी औलाद से क्या उम्मीद हो सकती है? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं लक्ष्मीदास। जब से वो विलायत गया, मैं उसे जरूरत से ज्यादा खर्च भेजता रहा हूं, लेकिन इन दिनों उसने झूठे बने बना बना कर इस कदर रुपयों की मांग बढ़ा दी थी कि मुझे मजबूरन लिखना पड़ा कि वो अब भी न लौटा, मैं उसे एक पाई भी नहीं भेजूंगा। तुम तो अक्सर बात का बतंगड़ बना दिया करते हो। अरे भाई, तुम गरीब के लड़के थे, वो नहीं है, उसका बाप तो पैसे वाला है। अगर इसीलिए वो विलायत में जरा कंजूसी से नहीं रह सका तो क्या हुआ? देख लेना, यहाँ लौटने पर काम काज में उलझने के बाद वो बिल्कुल बदल जाएगा। भगवान करे तुम्हारी बात सच निकले। अरे सच हो के रहेगी। जी, इसे देखिए, पहचाना आपने? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। नहीं पहचाना? ये है मेरी सखी पूर्णिमा। ओ, हाँ हाँ। पिताजी, हमें दावत देने के डर से इन्होंने इलाहाबाद जाके शादी कर ली, लेकिन पूनम, दावत दिए बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। हाँ। अच्छा, हम एक तरीका बताते हैं। अपनी सखी से बदला लेने के लिए तुम अपनी शादी सीधे कश्मीर जाकर। नहीं चाचा जी, ऐसे नहीं। हाँ। अभी 2-4 दिन में इनके पतिदेव यहाँ आने वाले हैं, वो आ जाए बस फिर दोनों से इकट्ठा बदला लूंगी। ये भी ठीक रहेगा। अच्छा मीना, नरेश की कोई चिट्ठी आई? अंकल, अंकल, मैं यानी कि मैं। तुम कभी चुप रहना भी सीख लो गणेश। नहीं पिताजी, भाई साहब की कोई चिट्ठी नहीं आई। लक्ष्मीदास, जब आज भी नरेश की कोई चिट्ठी नहीं आई तो सोचता हूँ उसे केबल भेज ही दूं। मैं भी तो यही कहना चाहता। ओफो, फिर बोलने लगे। किस बेचारे का मुंह से देना चाहती हो? हाँ तो गणेश बाबू, क्या कहने लगे थे आप? जी। हाँ, कहने लगे थे या तो ये कहेंगे कि कौन से सिनेमा में अच्छी पिक्चर चल रही है, और या फिर ये कहेंगे कि फलाने होटल में मुर्गे मुसल्लम, चिकन बिरयानी, पता नहीं क्या क्या ठूंस के आए हैं। जाओ जरा बाहर जाके देखे अब गाड़ी मेरी सर्विस से आई कि नहीं। प्लीज गणेश। ठहरो गणेश। मीनू, ये तुम्हारी बहुत ज्यादती है। वो कितने बड़े रईस का लड़का है और तुम उस पर हुक्म चला जा रही हो। गणेश, तुम मत जाना। नहीं अंकल, इसमें क्या है, मीना का कोई काम करके मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अभी देख कर आता हूँ। लेकिन टेलीग्राम। टेलीग्राम? जी हाँ, टेलीग्राम। कैसा टेलीग्राम? ये टेलीग्राम। तो फिर इतनी देर से बताया क्यों नहीं था? यही तो बता रहा था, यानी कि इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा था। भाई साहब इसी शुक्रवार को आ रहे हैं पिताजी। अच्छा। भाई बहुत अच्छी खबर है, बस इसी रविवार को मिल में उसे एक शानदार रिसेप्शन देने का इंतजाम करना। रिसेप्शन? क्यों क्यों? भाई वाह, अरे अगर देश में उसका आदर सत्कार नहीं होगा तो विदेश का उसका नशा कैसे उतरेगा? बस इस रविवार का इंतजाम बिल्कुल पक्का। पुरुषोत्तम भाई, इसमें तुम्हारा कोई एतराज नहीं चलेगा। चलो अच्छा ही हुआ। पूनम, रविवार को तू तैयार रहना, मैं तुझे भी आकर साथ ले जाऊंगी। तू मिल देखना चाहती थी ना, मिल भी देख लेना और भैया का रिसेप्शन भी। पिताजी आप लोग चाय पीजिए और हम दोनों बराबर वाले कमरे में बैठ के बातें करते हैं। अरे तुम कहाँ पीछे पीछे चले आ रहे हो? मैं यानी कि मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है? अच्छा तो फिर चला जाता हूँ। गणेश बाबू जी, चाय तो पीते जाओ।
चाय? जब मुर्ग मुसल्लम नहीं है तो गर्मा गर्म चाय ही सही। देर हो गई है, अंकल और नरेश जी कभी के मिल जा चुके हैं। लेकिन अभी तो पूर्णिमा को उसके घर से लेने जाना है हमें। अरे बाप रे, वही अंबाले वाले मेजर कृष्णकांत के यहाँ, जो बात बात में हाउ हाउ क्या करते हैं। ना बाबा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अच्छा देखो, तुम बाहर गाड़ी में ही बैठे रहना, मैं जाके पूनम को ले आऊंगी बस। नहीं नहीं, लेकिन मैंने उससे वादा जो किया है तो मैं क्या करूँ। प्लीज गणेश। अच्छा चलो। लेकिन ज्यादा देर मत करना। नहीं, जल्दी आऊंगी। अच्छा अब तुम ये बताओ, मैं कैसे जा सकती हूँ? अच्छा तो क्या तुम्हारे पतिदेव हमेशा ही बेवक्त की शहनाई बजाया करते हैं? उन्हें भी बस आज ही आने का मौका मिला। इसमें उनकी क्या गलती है मीनू? उन्हें क्या पता था कि आज तुम अपने भाई के साथ? लग गई अभी से अपने उनकी वकालत करने, बुरी बात है। हाँ, पूनम ने तो ठीक ही काम किया है बेटी। हर औरत का फर्ज है कि वो अपने पति के लिए हमेशा वकालत करे। तुम मेरी बीवी यानी अपनी मौसी, इन्हीं की बात ले लो ना। इन्होंने एक बार ना 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 ना, आप ये वकालत तो क्या, मैं कभी मुंशी गिरी तक नहीं करने की। ओ, 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 यस। क्या है? हमें बहुत देर हो जा रही है। अच्छा अच्छा, तुम जाओ। लेकिन तुम नहीं चलोगे क्या? ओफो, तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा अच्छा मासी, तो अब मैं चलूँ, काफी देर हो गई है। बैठो बैठो, इतनी जल्दी क्या है, ठहर के चली जाना। आओ। नो 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 नो, ड्यूटी बिफोर एवरीथिंग। अपने बड़े भाई की रिसेप्शन पार्टी में देर से पहुंचने का मतलब, मैं जब अंबाले में मिलिट्री। बस बस बस, मीना बेटी अब तुम यहाँ से भागने की करो, कहीं अगर आपने अपने अंबाले की राम कहानी शुरू कर दी तो सारी ड्यूटी एक तरफ भरी रह जाएगी। All right, laugh at my expense, but always remember, duty before everything. Yes, that's right. अगर तुम्हारे बालम को देख कर ही जाती ना तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब क्या करूं। अच्छा मैं चलूं। लेकिन हाँ, ये है हमारे जीजा जी की साफ जाती, अगर जरा जल्दी आ गए होते तो वो भी साथ ही चलते हमारे पार्टी में। अच्छा मैं चलूं। पूनम, मेरी तरफ से जीजा जी को तुम डांट देना, जरूर डांटना। अच्छा चलती हूँ। भैया तो हमारे विलायत से एकदम साहब बनकर लौटे हैं ना, देर से पहुंचने के कारण कहीं डांट वांट ना खानी पड़ जाए। अच्छा अब चल रही हूँ। अच्छा अब चलूँ, अच्छा अब चलती हूँ, 5 बार तो कह चुकी, अब कितनी बार करना है? अगर ये पार्ट खत्म हो गया हो तो कहो, फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ। ओहो, वाकई बहुत देर हो गई। अच्छा अब चलता हूं। अरे धत, तू भी अच्छा अब चलो कह के रुक गई। क्यों, क्या हुआ? अब इसकी बारी है अच्छा अब चलो कहने की। तो भाइयों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है। आप सब ये तो जानते ही हैं कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के इकलौते बेटे श्री नरेश कुमार जी अब से मिल को मैनेज करने का भार अपने कंधों पर ले रहे हैं, और हमें आशा है कि वो विलायती तालीम और अपनी लियाकत से मिल को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। अब मैं चिरंजीव नरेश कुमार जी से कहूँगा कि वो चंद अल्फाज कहकर आप सबका हौसला बढ़ाएं।
What? I've been asked by the previous speaker to say something to you. नरेश हिंदी में बोलो, हिंदी में, राष्ट्रभाषा. नो, आई न्यू वेरी वेल दैट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट बेटर बिहेवियर फ्रॉम पीपल ऑफ योर क्लास एंड स्टैंडर्ड. हम लेक्चर में सुनना चाहते, माफी मांगनी पड़ेगी. हम गालियां सुनने के लिए नहीं आए. नहीं सुनेंगे. यू आर सैडली मिस्टेकन इफ यू थिंक दैट आई विल गिव वे बिफोर अ सेट ऑफ फाउलिंग इडियट्स. ये तो हमें गाली दे रहा है. हम गाली सुनने नहीं आए. अपने अल्फाज वापिस लो. मैं कहता हूँ उनसे माफी मांगो और हिंदी में बोलो. मैंने जो कुछ कहा अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूँ. मैं बहुत से साल वलायत रहा. वहां के मजदूरों की तालीम, तहजीब, अदब और बहुत सी खूबियां याद आती हैं. लेकिन आज मुझे पता चला कि अगर इस मिल को और तरक्की देनी है तो उससे पहले मुझे आप जैसे उजड़ लोगों की बेवकूफी और इंतहा जहालत को दूर करना होगा. मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ. मेरी बात सुनिए. क्यों, क्या चाहते हो? सलाम हमारे नए मैनेजर साहब. सलाम, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ. शिवहरी बैठ जाओ. क्यों, क्यों बैठ जाओ? हमें जाहिल और बेवकूफ कहा गया है तो क्या हम एक बात भी नहीं अर्ज कर सकते? ये बात सुनाने का वक्त नहीं. जाओ यहाँ से बाहर. जाओ. क्यों, क्यों यहाँ से बाहर जाऊं? मैं ये देखना चाहता हूँ मुझे यहाँ से कौन बाहर निकाल सकता है. ए बिहारी. कौन? प्रदीप जी. ओ, तुम आज के दिन तुम्हें क्या करने लगे? तुम्हें अपनी हरकत पर शर्म आनी चाहिए. क्यों, शर्म कैसी? जाहिलों और बेवकूफों को शर्म कैसी? अगर किसी ने तुम्हें जाहिल कह दिया तो तुम्हें भी जाहिलों जैसी हरकत करके उसकी बातों को सच करना चाहिए. चलो ऐसे. कहाँ? चलो घर. चलो घर. चलो. हाँ. तुम कहते हो? हाँ. अच्छा तो चलो. हाँ, चलो चलो. चलो. आपको उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए. इस वक्त अपने होश में नहीं है. उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ. चलो ऐसे. चलो चलो. देखा भाई, ये प्रदीप भी कितना अच्छा लड़का है. बिल्कुल ठंडे दिमाग का. किस खूबी से मामले को सुलझाया है. ये प्रदीप है कौन? हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का फोरमैन. सारे मिल के आदमियों को उसकी धाक है. ये तो मैं भी देख रहा हूँ. तुम अब वापस चले जाओ. हाँ. मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा. मैं जरा सड़क तो पार करा दूंगा. हाँ, मैं कोई अंधा हूँ जो तुम मुझे हाथ पकड़ के रास्ता पार कराओगे? छोड़ो मुझे. गणेश रुको, गाड़ी रुको. हेलो, कहाँ जा रही हो? अरे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था. वो लोग देखेंगे तो मारेंगे. चलो भाग चले. कुछ भी हो एक बार जाके देखना तो चाहिए. अरे बाप रे, ये कितनी तेज चला रहा था गाड़ी. अंधा, अरे को भाग के बस तो ला जरा. अंधा ले जा रहा था पहले. कह रहा था बहुत चोट लगी है क्या? हाँ, बेचारे का सर फट गया है. लेकिन ये शायद मोटर से तो नहीं टकराए. मोटर से नहीं टकराया तो गिर कैसे गए? सर कैसे फट गए इनका? अरे रे रे, कितनी चोट लगी है बेचारे को. लेकिन आपने गाड़ी वाले की शराफत देखी. आप तो रास्ते जाते हुए भी एक्सीडेंट देखकर रुक गई. लेकिन वो लाट साहब नहीं रोका. जोर से बांध. लेकिन ये रुमाल तो पूरा नहीं पड़ता किसी के पास. कुछ देखिए तो, इससे काम चलेगा. जल्दी से बांध दो. बखूबी, बहुत शुक्रिया. तो मैंने पहले ही कहा था, सुनते तो नहीं. देखो, देखिए वो ऐसे गाड़ी वाला. भाई भाई, चलो आगे. क्यों, मर गया क्या? मारे चले चले. देखो क्या तू मर गया क्या? तुम जल्दी से गाड़ी का नंबर और पुलिस से खबर करो. पुलिस जाते कहाँ? इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे भाई रहने दो, जरा सी बात के लिए पुलिस पुलिस का हंगामा करने की जरूरत नहीं. हाँ, अगर आप में जरा भी शराफत है तो अपनी कार में इनको अस्पताल तक पहुँचा दीजिए. नहीं बाबा, अस्पताल नहीं, मुझे घर ले चलो. हाँ, यही ठीक है. खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? चलिए सहारा दीजिए. अच्छा, तुम जब कहती हो तो. तुम? बात करने तक की तमीज नहीं है? आप कहिए. आप? आप? हाँ आप. अच्छा अच्छा, चलिए पकड़िए. चलता हूँ. चलो भाई, चलो बारह.
कुछ खून की बूंदे गिरी और मोटर में सही हो गई। छोड़ दो ठीक है। हाँ भाई क्या मैं ठीक है, कोई बात नहीं भाई। लुट गई प्रदीप बाबू, फिर इन्होंने पी के किसी से मारा मारी की है क्या? नहीं नहीं मारा मारी जी, ऐसी औरत के साथ घर संसार चलाया जा सकता है? आप ही बताएं मैंने किससे मारा मारी की। नहीं नहीं मारा मारी नहीं की, जरा मोटर मोटर के नीचे। अरे कोई नहीं हुई, बहुत मामूली सा घाव लगा। चल मुझे अंदर ले चल। अच्छा देवी जी नमस्ते। अच्छा प्रदीप जी, मिस्टर ड्राइवर। इतना किया है तब मैं क्या आपको घर तक भी नहीं छोड़ सकता। चलिए चलिए नहीं कोई बात नहीं, घर पे भी कोई खास काम नहीं था। उधर नहीं इधर चलिए, वही सफेद गाड़ी है ना? नहीं नहीं ऐसी सफेद गाड़ियां तो पता नहीं कितनी है शहर में। चलिए आप कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं, आखिर सब बात क्या है? बात यह है कि मुझे जरा प्यास लगी है। अब प्यास लगी है तो ये कहिए ना, वो सामने मेरा घर है वहां चलकर पानी पी लीजिए। आइए आप जरा यहां बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूं। तू इतनी जल्दी लौट आया बेटा? अभी बताता हूं मां, बाहर एक लड़की बैठी है उसे जरा पानी दिया हूं। अरे सुनो तो, किसकी लड़की? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, अभी रास्ते में मुलाकात हुई है। किसी को घर में लाकर खाली पानी पिलाया जाता है? ओ, तो मैं फिर तू चल मैं अभी आती। पानी पीजिए, नहीं प्यास होने पर भी पानी पीने की इजाजत नहीं है। माने? माने मेरी माँ। नमस्ते। किसी गृहस्थ के घर से सिर्फ पानी पीकर नहीं लौटा जाता। लो पहले जरा मुंह मीठा कर लो। जी मिठाई इस वक्त इसमें शर्माने की क्या बात है? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मीना। कितना प्यारा नाम है, आज का धूप में बहुत घूमती रही हो। देखो तो ये कोमल चेहरा कितना लाल हो गया है। नहीं तो आपको मछलियां पालने का बहुत शौक है शायद। जी मैं गरीब मिस्त्री, क्या मैं और क्या मेरे शौक। बेटी इसे इन रंगीन मछलियों और किताबों से तो बस फुर्सती नहीं मिलती। अरे हाँ प्रदीप, तेरी मिलका जलसा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? माँ इस बिहारी की वजह से जलसा पूरा होने से पहले ही उठाना पड़ा, और एक तरह से तो अच्छा ही हुआ। लेक्चर सुनकर खून तो मेरा भी खोलने लगा था। किसका लेक्चर? वो है ना अपने नए मैनेजर साहब नरेश बाबू, वो भाई विलायत क्या हुआ है किसी को आदमी नहीं समझता, बस अपने पैसे की घमंड में चूर। अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी फिर आना। तुम्हारा घर कहाँ है? जी बस यही पास ही में है। प्रदीप तू जाकर इन्हें छोड़ा तो। ना ना कोई जरूरत नहीं। आपको जरूरत ना सही, पर मेरे लिए माँ का हुक्म जो है। आइए चलिए। बस अब रहने दीजिए, कहाँ तक चलिएगा? अच्छा नमस्ते। लेकिन आपने तो कहा था आपका घर पास ही में है। हाँ है तो, मगर तो फिर चलिए ना, मैं आपको छोड़े आता हूँ। अच्छा तो चलिए इधर। ओ क्या बात है, आप कुछ रास्ता भूल गए? नहीं ये मोड़ नहीं, शायद आगे वाला। ओ शुक्रिया मैं पहुंच गई। नमस्ते। कौन सा है आपका मकान? यही है। अच्छा यही है आपका मकान। क्यों आपके यहाँ कभी आते जाते रहे हैं? नहीं नहीं आता जाता नहीं रहा, लेकिन रोज मिल इसी रास्ते से जाता हूँ ना, तो ये मेजर कृष्णकांत जी की नेम प्लेट पे निभा पड़ी जाती है। ये क्या आपके कोई? जी हाँ ये मेरे मासा जी है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते।
क्यों, क्या चाहती हैं? तुम चुप रहो ना। चुप रहूं? अरे आखिर आप हैं कौन? कोई नहीं, तुम चुप। भाई वाह, किसी भले आदमी के घर में घुसकर दरवाजे में से बाहर झांक रही है और उल्टा मुझे चुप रहने को कहती है। आखिर आप किससे मिलना चाहती है? किससे? अच्छा ठहर जाओ, सोच के बताती हूँ। किसी के घर में घुस आने के बाद कोई सोचना कि किससे मिलना है, ये भी अजीब तमाशा। हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अरे आप क्या कह रही हैं? कहिए आप किससे मिलना चाहते हैं? जी मिलना तो किसी से नहीं चाहता। अरे अगर मिलना नहीं चाहते तो घंटी क्यों बजाई? मेरा मतलब ये है कि आप उनके भाई हैं ना। भाई? कैसा भाई? समझा, आप खफा हो गए हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा देखिए, ये अपनी बहन को दे दीजिए, थोड़ा सा फट जरूर गया है लेकिन। ये आपकी बीवी है ना शायद? नमस्ते, ये जरूर कोई आपकी जान पहचान की ही है। पूनम कसम ले लो, जो इस जन्म में इससे पहले इन्हें कभी देखा भी हो तो। मुझसे असली छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? देख लिया आपने इनकी जाति, मेरी वफाओं का ये सिला। मेरी वफाएं तुम्हारी जफाएं आंसू लिखेंगे फसाना मेरे प्यार का। मेरी वफाएं तुम्हारी जफाएं आंसू लिखेंगे फसाना मेरे प्यार का। आए रे आए रे जान क्यों ना जाए रे, जीने में जलते आंसू पीने में। आए रे जान क्यों ना जाए रे मेरी वफाएं। गाड़ी में मेरे साथ ही आई थी और इस मकान का पता भी मैंने ही आपको दिया था, लेकिन ये सब बातें आपने मेरी बीवी के सामने ही क्यों कह दी? खैर नीचे चलकर जरा तनाही में बातें करें, चलिए। हाँ छोड़िए मेरा हाथ, ये मजाक अच्छा नहीं। ओह तो आप जो मजाक कर रही थी वो ठीक था? मैंने तो कोई भी मजाक नहीं किया, मैं तो आपसे सिर्फ इस बात का ले रही थी कि आपने मेरी सहेली चुपचाप शादी कर ली। ये मेरी सहेली मीना है, पुरुषोत्तम लाल जी की लड़की।
फिल्म सेक्शन में काम करते हो। हाँ जी। अपने डिपार्टमेंट के हेडमैन को मेरे पास भेज दो। अच्छा। कहूँ नरेश? बोलो। मेरा तो खैर वकालत का पेशा है, तुम्हारे मिल मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी मेरा ख्याल है कि तुम जरा जरूरत से ज्यादा सख्त हो। सख्त हूं मैं? तो सिन्हा तुम्हें पता ही नहीं कि सख्ती किसे कहते। ज्यादा नरमी की वजह से ये लोग सर पर चढ़ गए, इन्हें जरा दुरुस्त कर देना लाजमी। आमीन। ओ तुम, हुजूर ने मुझे याद किया था। हाँ, हम तुम्हारे सेक्शन की आउटपुट को 25% और बढ़ा देना चाहते हैं। जी, आउटपुट तो बड़ी आसानी से बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ मशीनें और आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। हमने तुम्हें सलाह देने के लिए यहाँ नहीं बुलाया। मुझे भूल हो गई साहब, माफ कीजिए। तो बहुत होगा, भला सलाह देने वाला मैं कौन। तो साहब आप मुझे एक ऑर्डर यानी कि वो, हाँ, तो फिर उसके बाद काम करना मिल जाएगा। तुम जा सकते हो। कम इन। यस, क्या चाहिए? जी, ये 5 नंबर गोदाम में क्या आपके हुक्म से माल रखा जा रहा है? यस। लेकिन उस गोदाम में माल रखना ठीक नहीं, वहाँ बिजली के तारों में कुछ खराबी है, अगर मरम्मत न की गई तो किसी भी वक्त आग लग सकती है। मेरा ख्याल है कि नॉट योर बिजनेस, जाओ जाकर काम करो। आदमी स्मार्ट मालूम होता है। ओवर स्मार्ट, लेकिन जरूरत से ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती, उसे अपनी हैसियत बखूबी समझ लेनी होगी। कह देने से ही तो प्रोडक्शन 25% नहीं बढ़ सकती, उसके लिए कुछ नई मशीनें खरीदनी पड़ेंगी और कुछ आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। वो लोग क्या समझते, क्या हमें चार हाथ हैं? चार हाथ का तो पता नहीं भैया, लेकिन हमें चार पांव वाला जरूर समझते। भाई यहाँ खड़े गुटबंदी क्या कर रहे हो? गुटबंदी क्या करेंगे प्रदीप भैया, तुमने सुना है नए मालिक का नया हुक्म क्या है? लेकिन उस बात को लेकर इतना गर्म होने की क्या जरूरत है? अगर नरेश बाबू की जातियां बढ़ती गई तो फिर हम पुरुषोत्तम लाल जी से फरियाद करेंगे। अरे भाई, किस गहरी सोच में पड़ गए, चाल चलो। जरा सोचने दो, आखिर इतनी जल्दी क्या है? मुझे जल्दी है, आज व्यापार के सिलसिले में सेठ किशन लाल जी से मिलना है। सुना है बहुत सज्जन आदमी। कौन? किशन लाल? उसे तुम सज्जन कहते हो? राम राम राम, वो एक नंबर का चोर है, एक नंबर का चोर। और नहीं तो क्या, एक विधवा का सारा माल डकार कर आज बड़ा आदमी बना फिरता है। और सच्ची बात तो ये है कि आज के व्यापारियों में अगर कोई ईमानदार दिखता है तो वो तुम। मैं? भाई, मैं तुम्हें आज से थोड़ी जानता हूं, तुम अपनी ईमानदारी और मेहनत से ही तो आज इतने कामयाब हुए हो। ये शह, मैं कहता हूं बचो। नमस्ते, आपके पास रंगीन मछलियों पर कोई अच्छी सी किताब है? हाँ, एक आई तो है ये। मेहरबानी करके इसे मेरे नाम इशू कर दीजिए। अच्छा, मुझे पहचान गए, भूले नहीं? जी नहीं, मैं कैसे भूल जाता, मैं तो सोच रहा था शायद आप ही मुझे भूल भाल गए। यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों, लड़कियों का यहाँ ना मना है क्या? बाहर तो ऐसा नोटिस लगा कोई नहीं देखा। जी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। खैर, अच्छा ही हुआ। अच्छा क्या हुआ? यही कि आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, जरा यहाँ ठहरिए, मैं किताब इशू करवा लाऊं। नमस्ते प्रदीप जी। नमस्ते साहब जी, ये किताब तो मैं किसी दूसरे के नाम इशू कर चुका हूँ। जी, मैंने आपसे कहा नहीं था कि मेरे लिए रख छोड़िएगा? जिसे भी आपने किताब इशू की है वो महज तस्वीरें देखने के लिए इसे ले जाना चाहता। क्यों, क्या बात हो गई? देखिए ना, रंगीन मछलियों पर एक नायाब किताब है, बहुत दिनों से इसके लिए धरना दिए बैठा हूँ, और आज मुझसे पहले किसी शरीफ आदमी ने आकर इसको झटक लिया। शरीफ आदमी ही क्यों कहते हैं, कोई शरीफ लड़की भी तो इशू करा सकती है। इसे क्यों? जी। तब तो लाजमी उसने महज तस्वीर देखने के लिए ली होगी। देखिए देखिए, वो बेचारे इशारे साहब को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझाना चाहते हैं मुझे? जी वो माने यानी कि ये किताब तो इन्होंने ही ली है। ओह,
आपने? महज तस्वीरें देखने के लिए। बस आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। क्यों झूठ मूठ शर्मसार हुए जा रहे हैं? मैं जानती हूँ, अगर आपको ये मालूम होता कि ये किताब मैंने ली है तो कभी आपने ऐसा ना कहा होता। अभी आप ही ले जाइए। जी नहीं, अब तो पहले आप इस किताब को पढ़ लीजिए, तब तो मैं इसे छूंगा भी नहीं। अपनी बेअदबी के लिए इतनी सजा भुगतना लाजमी है। अगर सजा ही भुगतनी है तो इतनी सी है क्यों? अच्छा तो फिर आप ही कोई सजा तय कर दीजिए, मैं हाजिर हूँ। सोच के बताऊंगी। अरे ठहरिए ठहरिए, सारे झगड़े की जड़ ये किताब तो आप यहीं भूले जा रहे थे। लीजिए। जी मुझे तो इसे छूने का भी हक नहीं है, ये किताब तो आप इन्हीं को दीजिए। अच्छा तो चलिए, हार मैं ही माने लेती हूँ बस। आइए। यहाँ मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। आपने क्या कहा? मैंने यानी कि मैंने तो सिर्फ यही कहा कि मैं यहाँ हूँ। आपको न दिखाई देने वाली चीजों में से तो है जी? सड़क पर पड़े हुए उस गंदे डस्टबिन की तरह आप साफ दिखाई दे रहे हैं, फिर एकाएक अपने बारे में ऐलान करने की क्या जरूरत जी? जरूरत जी? दरअसल मैं तो आपकी बात को समझा ही नहीं, मैंने तो उनको माने छोड़िए। आपको शर्म नहीं आती? एक आदमी को अपने मोटर से गिराकर उसी बात को लेकर जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जाने भी दीजिए, इस किस्म के आदमियों से झगड़ा करने से अपनी ही बदनामी होती है। खबरदार जो आंदा फिर आपने झगड़ा करके, चले जाइए यहाँ से। आप रुक क्यों गए, चलेगा नहीं? मुझे जरा काम है। ओ, मुझे जरा जल्दी है, वो मेरी बस भी आ गई, मैं परसों शाम को किताब आपके यहाँ से आके ले जाऊंगा। परसों शाम को 6 बजे। नमस्ते। आओ आओ मीना, बड़े अच्छे वक्त पर आई हो, हम सब एक बहुत बढ़िया सर्कस देखने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो ना। मैं, लेकिन मुझे तो पूर्णिमा से एक बहुत जरूरी काम है। पूर्णिमा भी तो जा रही है? पूर्णिमा भी जा रही है, तब तो बड़ी मुसीबत हो गई। आओ। मैं अभी आती हूँ। पूनम बहन, आज तुझे मेरे लिए एक सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। क्यों, क्या बात हो गई? बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, सुन। बात यह है कि आज तेरा घर यानी तेरा घर मेरा हो गया है। माने या तो तू पागल हो गई है या तुझे किसी से प्यार हो गया है। फजूल बकवास मत कर। वो उस रोज एक आदमी को लाचारी की हालत में तेरा घर अपना बता दिया था ना, वही आ जाने वाले हैं ये किताब लेने। भला कौन है वो, तू नहीं जानती उन्हें, हम दोनों एक ही लाइब्रेरी के मेंबर हैं ना। तो गोया मामला इस हद तक पहुंच चुका है। पूनम, आई एम सॉरी, आप शायद कोई प्राइवेट बात कर रही हैं, तो मैं। नहीं नहीं, आप मत जाइए, सुनिए। बात यह है कि आज आपको मेरा भाई बनना पड़ेगा, और इसे भाभी। आखिर मजाक क्या है, अगर बता देती तो। लो वो आ गए। आइए आइए, अंदर आइए। देखिए बात यह है, मैं तो सिर्फ किताब लेने आया था। सिर्फ किताब लेने? जी। किताब लेकर आप बाहर से नहीं जा सकते, आइए अंदर आइए, हमने आपके लिए चाय नाश्ता सब तैयार करके रखा है। वो तो ठीक है, लेकिन। अरे आइए साहब, से हो सकता है, आप हैं मीना के मित्र और मीना है इस घर। मौसी जी, अब बहुत देर हो गई है, आप लोगों को जल्दी से चल देना चाहिए, नहीं तो सर्कस शुरू हो जाएगी। नो 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 नो, तब तो कोई भी सर्कस देखने नहीं जाएगा, ये हमारे मेहमान है और मेहमान की खातिर करना क्या कहते हैं उसे, फर्स्ट ड्यूटी है भाई, मेरे लिए तो ड्यूटी बिफोर एवरीथिंग। मैं जब अंबाला में मिलिट्री। बस 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 बस, आप अपनी अंबाला की दास्तान फिर कभी सुना दीजिएगा। चलिए अब उठिए। तो जाना ही पड़ेगा? हाँ हाँ जरूर। अच्छा चलो। ऑलराइट बॉयज, सो लॉन्ग। मैं निहायत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आप लोग सर्कस नहीं जा रहे। जी जनाब, हमें तो इस बात का कोई दुख नहीं, सर्कस तो कुछ रोज चलता ही रहेगा, लेकिन आप और मीना देवी जब आ जाइए। आप क्या अगड़बड़ बोलते हैं, मीना देवी आई क्या है? मीना तो हमारी यानी इस घर की बच्ची है। ओह हाँ, घर की बच्ची तो है ही, लेकिन आप ही बताइए प्रदीप जी, जो लड़की सुबह 6 बजे घर से निकली हो और आपके आने से सिर्फ 2 मिनट पहले लौटी हो,
उसे आई है के सिवा और क्या कहा जा सकता है। मीना देवी को शायद बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद है। हाँ, हम तो इसकी सूरत देखने को तरस कर रह जाते हैं। बस रहने नहीं दीजिए अपने गप्पे। हाँ, तो प्रदीप जी आप कहाँ काम करते हैं? जी मैं एक मिलती से नौकरी करता हूँ। आप तो बहुत तकल्लुफ पसंद है। क्या आपको भी हमारी मीना की तरह पढ़ने लिखने का बहुत शौक है? है, आप दोनों एक ही लाइब्रेरी के मेंबर हैं। है? मीना भी लाइब्रेरी से किताबें लाती है क्या? अरे अगर उसके पिता चाहें तो घर में ही लाइब्रेरी खोल दे सकते हैं। से काम नहीं हो सके। इतना परेशान क्यों होते हो नरेश? और फिर तुम्हारे पिताजी ने तो ठीक ही कहा है, इसमें बेचारे प्रदीप का क्या दोष है? आखिर तुम्हें प्रदीप पर इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा क्यों? मिल के आदमी हमारी नहीं उसकी इज्जत करते। डिसिप्लिन कायम रखने के लिए मुझे कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं तुम नहीं समझ सकते। अगर चंद रोज और यही हालत रही तो वो सब वर्कर्स को बिगाड़ देगा। जी प्रदीप बाबू आए नहीं हुजूर, आज उनका ऑफ डे है। ठीक है, प्रदीप भैया। बड़ी गड़बड़ हो गई प्रदीप भैया। क्यों, क्या हुआ? नरेश बाबू ने आउटपुट बढ़ाने के लिए 7 नंबर मशीन ओवरटाइम चलाने का ऑर्डर दिया था। मशीन बिल्कुल पुरानी थी, टूट गई, और अब हम पर मशीन तोड़ देने का इल्जाम लगाकर जुर्माना किया जा रहा है। वाह वाह, ये कैसे हो सकता है? मशीन चलाने का ऑर्डर किसके पास है? ऑर्डर तो बिहारी के पास है, उसके हरकतों से शक होता है कि वो नरेश बाबू से मिला हुआ है। ये लो 50 रुपए। बस हुजूर, ले दे के कुल यही 50। इतनी बड़ी बेईमानी की इतनी सी कीमत तो बहुत कम है हुजूर। अच्छा अच्छा, मिल जाएगा। पहले उन पाजियों को अच्छी तरह जकड़ लूं, उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो हुजूर फिर मेरे जकड़े जाने की बारी है।
चुभे हुए कांटे को निकालने के लिए जो कांटा इस्तेमाल किया जाता है उसे कोई गले का हार बना के नहीं रख सकता। आप बेईमानी करने के पैसे मुझे कैश ही दे दीजिए, एकदम नकद। ये लो। लेकिन तुम इसे बेईमानी क्यों कहते हो? थोड़े से पाजी आदमियों को दुरुस्त करने के लिए तुमने ठीक ही काम तो किया है। जी हाँ, ठीक काम तो किया ही है, बिल्कुल ठीक काम किया है। इन रुपयों में से कुछ है कि अपनी औरत के लिए जेवर लाऊंगा, कुछ दिन नशे पानी की भी मौज रहेगी, इसलिए आपका दिया हुआ कागज चोरी छिपे आप ही को लौटा देने में क्या हर्ज है। लेकिन जानते हैं, इन्हीं जाहिल और बदमाश आदमियों के साथ मैंने अपनी जिंदगी के बहुत से सुख दुख के दिन बिताए हैं। वो लोग इस काम को किसी दूसरे ही नाम से पुकारेंगे सर, बहुत बुरे नाम से। खैर, आप तो तीर छोड़ ही चुका हूँ, भुगत भी लूंगा। अच्छा हुजूर, सलाम। आदमी एकदम ही सीधा नहीं मालूम होता। जानता हूं, लेकिन उसने अभी कहा था ना कि कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। कमेंट तुम आपसे बिहारी मिलने आया था। पूछने से तुम्हारा मतलब, क्या चाहते हो तुम? मैं प्रोटेस्ट करने आया हूं। प्रोटेस्ट? आप ही के हुक्म के मुताबिक काम करने से मशीन टूटी है, आपका वर्कर्स पर जुर्माना करना ठीक नहीं। क्या ठीक है और क्या गलत है ये मैं बखूबी समझता हूं, तुम जाकर अपना काम देखो। गेट आउट। अरे पाल कपाल सब मिल जुल करके मेरे मुख लगाया। बिहारी कौन वे? ओ प्रदीप जी। सुनो, नरेश बाबू ने 7 नंबर मशीन चलाने का जो ऑर्डर दिया था वो कहाँ है? मुझे क्या खबर, मैं ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ता। जा कहाँ रहे हो? जा, मेरी खुशी में जा रहा हूँ। मैं कोई अदालत का मुजरिम नहीं, यहाँ खड़ा खड़ा तुम्हारी जिरह का जवाब देता जाऊँ। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, नहीं बात करता, मेरी मर्जी। रानी, रानी देख देख, रानी मैं तेरे लिए आज क्या लाया, देख तो सही। हाय राम, चांदी का हार? अरे बिल्कुल चांदी का, चले हूँ खाली चांदी का। लाला मैं मांग देता हूँ। लेकिन कहाँ से आया? डर मत, ना तो मैंने कहीं चोरी की, ना मैंने कहीं डाका डाला। तेरी जान की कसम, 1000 रुपए नकद दे के लाया हूँ। आज तो तनख्वाह का दिन नहीं है, फिर इतने पैसे कहाँ से आए? अबे ये रुपए तो समझ लग के जवाब देना शायद मुश्किल है। प्रदीप जी, मैं कहता हूँ कि हाँ हाँ कहो, क्या क्यों नहीं देते कि अपने साथियों के गर्दन पर छुरी चलाने के लिए तुमने रिश्वत ली है? हाँ हाँ रिश्वत लिए, तुमने जो करना हो कर लो। मैं कह ही क्या सकता हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि अपनी बहू को जरा सा हंसा देने के लिए तुमने कईयों को रुलाया है। बिहारी, अब भी वक्त है, तुमने अपने आप को किस कीमत पर बेच दिया? अरे बाबा, मैंने अपने आप को बेचा है, कोई तुम्हें तो नहीं बेचा। जाओ, मेरे मुंह मत लगो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रिश्वत ली। आप इस वक्त आपको तकलीफ देने की माफी चाहता हूँ, लेकिन मुश्किल कुछ इस कदर आ पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं। बात क्या है? आप तो जानते ही हैं कि 7 नंबर मशीन कितनी पुरानी है, कितनी खस्ता हाल है। हाँ हाँ, लेकिन हुआ क्या? नरेश बाबू का हुक्म हुआ कि आउटपुट 25% और बढ़ाया जाए। पुरानी मशीन बोझ बर्दाश्त न कर सकी और टूट गई। उन्होंने सब वर्कर्स को कसूरवार ठहरा कर जुर्माना कर दिया। मैं सब सुन चुका हूँ नरेश, ये तुम्हारी बेइंसाफी है। बेइंसाफी? पुरानी मशीन टूट जाने से वर्कर्स को जुर्माना करना ये ठीक नहीं। लेकिन आप इन छोटी छोटी बातों में क्यों दखल देते हैं, जबकि मैं यहाँ पर इसी बात छोटी जरूर है, मगर आपकी उस चिंगारी की तरह जो हमारी बेपरवाही से बहकती ही लपटों की शक्ल इख्तियार कर सकती है। नहीं नरेश, वर्कर्स पे किए गए जुर्माने को मैं रद्द करता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा, जुर्माना रद्द कर देने से मेरी बेइज्जती होगी। तुम्हारी इज्जत के लिए मैं कभी बेइंसाफी नहीं होने दूंगा।
मुझे अकाउंटेंट साहब ने भेजा, इस पर जरा साइन कर दीजिए। ले जाओ। आखिर तुम क्यों उठाती हो, मैं किस लिए हूं? गणेश तुम कार लेके जल्दी से चले जाओ। क्यों तुम नहीं चलोगे? ओ बात करने का टाइम नहीं है, तुम जाओ जल्दी से, प्लीज जाओ। अरे ये क्या, आप यहाँ? हाँ जरा कुछ काम था यहाँ। आप इधर कहाँ? मैं तो आप ही के यहाँ जा रहा था ये किताब लौटाने के लिए। अच्छा तो फिर चलिए। लेकिन अब जाने क्या जरूरत है, किताब तो यहाँ भी लौटा दी जा सकती है। वाह, घर से किताब लेके रास्ते पे लौटाना कोई अच्छी बात है क्या? ओह तब तो आपके घर तक जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको घर तक जाना भार लगे तो यहीं पर लौटा दीजिए। अच्छा ये किताब लौटा देने के बाद क्या हमारा और आपका मिलना जुलना बंद? क्यों, बंद हो जाना ही क्या ठीक नहीं? शायद ठीक ही हो, पर मन क्या हमेशा ठीक बात को मान ही लेना चाहता है? तब भी मैं आप ही की बात मान लेता हूँ। अच्छा लीजिए अपनी किताब। नमस्ते। कहाँ जा रही हैं आप? कुछ पता नहीं, जहाँ मेरे पांव ले जाएं। और आप कहाँ जा रही हैं? जहाँ मेरे पांव ले जाएं। ओ आप घर पर खबर दिए बिना ही चली आई हैं, वो लोग गुस्सा तो नहीं करेंगे? थोड़ा बहुत तो जरूर करेंगे। आइए तो फिर जल्दी लौटते हैं। नहीं, कभी कभार एक आध झिड़की खाली तो क्या हर्ज है। लेकिन मेरे लिए आप क्यों झिड़की खाती हैं? और खाई नहीं तो क्या? फिर चुप के चुप, इस तरह चुप चुप रहना तो बड़ा अजीब सा लगता है। कोई बात सुनाइए ना। जी मैं? नहीं नहीं, आप ही कोई बात कीजिए। नहीं आप सुनाइए। नहीं आप? ना आप। जब से मिली तुसे अखियां जियारा डोले रे डोले ओ डोले, ओ जब से मिली तुसे अखियां जियारा डोले रे डोले ओ डोले। ओ मीठे मीठे प्यार के ये हिचकुल जिया डोले रे डोले ओ डोले, ओ जब से मिली तुसे अखियां। चोर है जो मेरे जी की बतियां खुले, वो जब से मिली तुसे अखियां जियारा डोले रे डोले ओ डोले, वो जब से मिली तुसे अखियां।
जल की नटखट लहरे कर जाए अजब इशारे, चंचल जल की नटखट लहरे कर जाए अजब इशारे। होले होले तू भी किसी की बोले रे दुले ओ दुले ओ जब से मिले तसे अखियां। प्यार में ये दिल जैसे बीच धार एक नैया, प्यार में ये दिल जैसे बीच धार एक नैया। मैं इस पार हूँ या उस पार हूँ सच सच बता के भैया, मैं इस पार हूँ या उस पार हूँ सच सच बता के भैया। पार वही जो प्रीतम दिल को डुबोले रे डोले ओ डोले ओ जब से मिली तसे अखियां जिया डोले रे डोले ओ डोले ओ मिट मिट प्यार के ये हिच कोले दिया डोले रे डोले ओ डोले ओ जब से मिली तसे क्या अभी कुछ कहने को बाकी है? ना। अच्छा तो चलिए घर चलिए। तुम आ गए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ, दर्द बहुत बढ़ गया है क्या? घबरा मत बेटा, ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। फिक्र न करूं, इसी तरह से लापरवाही कर करके तुमने बीमारी बढ़ा ली। फिर कहाँ चला? डॉक्टर को बुलाने। डॉक्टर साहब, जैसे भी हो मां को अच्छा कर दीजिए। एक गिलास पानी लाओ। जी, ये कर्ज करनी है। क्या है? मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है, अगर कुछ पैसे और एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाती तो। तुम क्या समझते हो कि यहाँ खराब पड़ती है जो मांगते रुपया मिल जाएंगे? जी, मैंने रुपए ऐसे ही नहीं मांगे, प्रोविडेंट फंड से यहाँ उधार मिलने का कायदा है, इसीलिए मांगे। कायदा? तो तुम हमें कायदा सिखाने आए हो, चले जाओ यहां से। सुनो, कल हमारे बंगले पर एक मिस्त्री लेकर आओ, एक कमरा एयर कंडीशन करवाना है। क्या कल ही? अजी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं फिर किसी और दे। नहीं नहीं, ये काम कल ही करना होगा, इस देश की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर कमरा एयर कंडीशन कर दिया तो तुम्हारी अर्जी पर। आप यहाँ? जी जी हाँ, यानी यानी कि मैं ये गाड़ी लेकर आया हूँ। फिर आप गाड़ी लेके यहाँ अटक के? मैंने आपसे उस दिन मना किया था ना, उस लड़की का पीछा मत किया करिए। खाम खा मेरे ऊपर गर्म हो रहा है, मैं खुद यहाँ नहीं आया, मुझे तो मीना देवी साथ लाई है, मुझे यहाँ ठहरने के लिए कहकर वो अंदर अपनी सहेली से मिलने गई है। क्या बे, सिर पैर की बातें करते हैं आप, ये मकान तो मीना देवी का है, यहाँ किसे मिलने के लिए गई है वो? तो गोया शुरू से ही घोटाला है, ये भला मकान मीना देवी का कैसे हो सकता है, ये तो उनकी सहेली पूर्णिमा का घर है। क्या बकवास करते हैं आप? आपकी धमकी से डरकर मजबूरन सच बात कर देनी पड़ी। मीना देवी तो मॉल रोड पर रहती हैं, 3 नंबर मॉल रोड। उनके पिता पुरुषोत्तम लाल जी की एक बड़ी भारी मिल है, जानते हैं? मेरे पिताजी की भी एक मिल है। प्रदीप जी। मीनू, प्रदीप जी गलती से ये मकान तुम्हारा ही समझे बैठे थे, मैंने उन्हें सब ठीक ठीक बता दिया। ठीक ठीक बता देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, प्रदीप जी सुनिए तो सही। मालिक की बेटी होते हुए भी एक गरीब मिस्त्री का काफी मजाक तो आप उड़ा चुकी हैं, अभी कोई कसर बाकी है? प्रदीप जी अब चले मत जाइए, जो कुछ आप समझे ठीक नहीं, गलत है। जी हाँ गलत है, इतने दिनों में जो कुछ मैंने सोचा है समझा है कुछ ठीक नहीं था, सब गलत, बिल्कुल गलत।
नीचे जाके मेन लाइन चेक कर लो, मैं वायरिंग किए लेता हूँ। आप वायरिंग करेंगे? हाँ भाई, माँ की तबीयत बहुत खराब है, काम पूरा करके जल्द घर जाना चाहता हूँ। प्रदीप जी, आप? आपका अगर ये ख्याल है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ तो गलत बात होगी। आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? मालिक और नौकर के बीच ये सवाल ही नहीं पैदा होता मीना देवी। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने तो सिर्फ इसलिए आपसे अपनी। मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं प्रदीप जी को अच्छी तरह जानती हूँ। शर्म नहीं आती? एक मामूली मिस्त्री को तुम इस कदर जानती हो कि हाथ पकड़ कर बात करने लगी? चले जाओ अपने कमरे में। और तुमने इतनी जुर्रत कैसे की? माइंड यू, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। सोने का हार किस लापरवाही से जमीन पर फेंक रखा है? ये ड्रॉअर क्यों खोला है? क्या उठा रहे हो? उठा नहीं रहा था, रखने लगा था। क्या रखने लगे थे? देखूं तो? ये सोने का हार जमीन पर पड़ा हुआ था। जमीन पर पड़ा था या चुराया है तुमने? चोरी? ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, आज रंगे हाथों पकड़े गए हो। बहरा, बहरा! क्या हुआ भैया? ये चोरी कर रहा था, मैंने हाथों हाथ पकड़ लिया। चोरी? ये आप क्या कह रहे हैं? प्रदीप जी चोरी क्यों करने लगे थे? हाँ, ये देखो तुम्हारा हार चुरा लिया। झूठा इल्जाम मत लगाई नरेश जी, मैंने चोरी नहीं की, जमीन पर पड़ा हुआ था, मैं उठाकर रखने लगा। खामोश, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, जो कुछ कहना हो पुलिस के सामने कहना। भैया, भैया सुनिए तो सही। चले जाओ यहाँ से। ये आप क्या करने लगे? आप समझते हैं कि सब गरीब आदमी चोर होते हैं? बहरा, पकड़ लो इसे। नरेश बाबू, नरेश बाबू, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, आप तो जानती हैं मेरी माँ भाग। मेरे अलावा उसकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं। खामोश, मेरी बात सुनिए, अगर मैं हिरासत में ले लिया गया तो माँ नहीं बचेगी। तुम्हारी माँ मरती है तो मेरे मुझे से क्या? चुप रहो। नरेश बाबू, मेरी बात सुनिए। हेलो, मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं जी हां, मैं नरेश बोल रहा हूं। आप फौरन बंगले पर चले आइए। मैंने चोरी नहीं की। चोरी का मामला चोरी हो गया है। मेरी बात सुनिए। थैंक यू। अगर मैं नहीं बचेगी, चुप रहो, माँ नहीं बचेगी। प्रदीप तो अभी तक नहीं लौटा सकी। माँ इतनी बीमार और बेटे का दिन भर से पता नहीं। नहीं शायद किसी जरूरी काम में उलझ गया होगा। पिताजी, पिताजी जरा जल्दी से घर तो चलिए। क्या बात है बेटी? प्रदीप जी हमारे घर आए थे, भैया ने उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करवा दिया है। आए, आए? मैं भी चल रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आ बेटी, नरेश, मैंने सुना है कि प्रदीप को तुमने गिरफ्तार करवा दिया है। जी हाँ, जिसकी तारीफों के आप पुल बांधा करते थे, आपके उसी गुनी नौजवान ने मीना का जेवर चुरा लिया था। जेवर चुरा लिया? नामुमकिन, जरूर तुमसे भूल हुई है, उसे छुड़ाने का इंतजाम कर दो। छुड़ाने का इंतजाम करो? चोर को सजा दिलवाने के बजाय आप उल्टा उसे बढ़ावा देना चाहते हैं। चोर सजा? जो चोरी करे उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? चोर को क्या कभी माफ नहीं किया जा सकता? इंसान अचानक किस कमजोरी में पड़कर कितने ही कारणों से चोरी करने पे मजबूर हो जाता है, ये तुम नहीं समझ सकते। ना ना, उसे चोरी की है या नहीं की है, उसे छुड़ा कर लाना ही पड़ेगा। और फिर इसके अलावा उसकी माँ सख्त बीमार है। अगर ये झूठा बहाना सच में मान लिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं? इसको कुछ पता नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, आ जाएगा। कब आएगा सुखी? इस पर कोई मुसीबत तो नहीं आ पड़ी? ऐसे अमंगल की बात सोचने से क्या लाभ, शायद किसी काम में। नहीं नहीं सुखी, मेरा दिल नहीं मानता। कौन? प्रदीप जी? नहीं, मैं। आओ बेटा। तुमने प्रदीप को कहीं देखा है? चुप तो हो, जवाब क्यों नहीं देते? जी बात यह है, याने बताओ बताओ, मुझसे कुछ छुपाओ मत। हमारे नए मालिक ने दुश्मनी करके प्रदीप भैया को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार क्यों? मेरे बेटे ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप घबराइए मत, हमने छुड़वाने की पूरी कोशिश की। क्या? मेरे बेटे ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। भगवान सब ठीक करेंगे। प्रदीप, प्रदीप, प्रदीप। Thank you.
रिहा कर दिए गए हैं। क्या कहती हो तुम? हाँ पिताजी, अगर वो गिरफ्तार ना हुए होते तो अपनी माँ के आखिरी वक्त में उनके पास खड़े तो हो सकते। ये तो बहुत बड़े अफसोस की बात है बेटी। प्रदीप को मैं बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ, वो बहुत अच्छा और मेहनती लड़का है, लेकिन नरेश की झूठी जिद के कारण उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ। पिताजी, मैं एक बार प्रदीप जी के घर जाऊं। तुम प्रदीप के घर जाओगी? अच्छा जाओ, उसके इस बुरे वक्त में हमें उसकी सहायता करनी ही चाहिए, और नहीं तो दो एक हमदर्दी की बातें कहने से जरा बेचारे को धीरज ही होगा। हाँ ठीक है, देखो मैं जब तक मिल में नहीं हूं तुम वहीं रहना, हाँ, पर सब चीजें इकट्ठी करके रखो। हाँ हाँ ठीक है। मीना कहाँ जा रही है? बाहर। मैं एक बात कहना चाहता हूं। कहो। सुना है प्रदीप रहा कर दिया गया? हाँ, लेकिन उस गुस्ताख को मैं कभी मिल में नौको नहीं रख सकता। नहीं नहीं, प्रदीप को किसी सूरत में भी मिल से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। यह आपका आखिरी फैसला? हाँ। तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए, मुझे मिलकर मैनेजर बनाकर मिल के मामलात में दखल देंगे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ, तो मुझे डराना चाहते हो? ठीक है, फाइनेंशियल साल पूरा होने में सिर्फ 2 महीने बाकी, उसके बाद ये भार मैं खुद ले लूंगा। बहुत अच्छा, लेकिन जब मेरी यहाँ जरूरत नहीं तो मैं इस मुल्क में रहना भी नहीं चाहता। कहाँ जाना चाहते हो? मलैक, मैं वहीं जाकर रहूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। नहीं नहीं, रुपए मैं नहीं दे सकता। तुम्हारी हर जिद पूरी करके मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है। हाँ, अगर तुम चाहो तो हर महीने। मुझे खैरात नहीं चाहिए। आप यहाँ? प्रदीप जी, मैं कुछ समझ नहीं पाती कि आपके इतने बड़े दुख में मैं कैसे ढारस दूँ। मैं तो मुझे आपके दिलासों की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपको किसकी वजह से इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, खुद ही शर्म से गड़ी जा रही हूँ, लेकिन आपको मेरे बारे में गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने पिताजी को सारी बातें बताई, सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। कह रहे थे कि आप खुद को अकेला या बेसहारा मत समझिए। Thank you.
तुमने मोहब्बत छीन ली, अब नहीं बजेगा गीत खुशी का टूटे दिल के तारों से, अब नहीं बजेगा गीत खुशी का टूटे दिल के तारों से, जब तुमने के पास जाऊं। यहां बैठकर रोने से क्या होगा, जा प्रदीप जी के घर बैठकर रो। लेकिन उन्होंने तो मेरा अपमान करके मुझे वहां से निकाल दिया है। जब प्रेम का फंदा गले में पहन लिया है तो फिर मान अपमान कैसा पगली, जा फिर उनके पास जा। तो तेरी यही सलाह है, मुझे एक बार फिर वहां जाना चाहिए? हाँ, एक बार नहीं बार बार। नरेश, तुम्हारा मतलब क्या है? 5 नंबर गोडाउन में आग लगवा दोगे? आखिर क्यों? सारा माल जलकर राख नहीं हो जाएगा? दरअसल तो कूड़ा करकट ही जलेगा और राख होगा। माल तो मैंने कभी का वहां से खिसकाकर बेच डाला है। बेच डाला है तो फिर गोडाउन जलवा देने से तुम्हारा फायदा? फायदा कैश। पिताजी ने जब रुपया देने से इनकार कर दिया तो किसी न किसी तरीके से इंतजाम था। थैंक गॉड, मैंने रुपए का बंदोबस्त कर लिया है। और अगर तुम्हारे पिताजी को? तुम्हारी वकालत की अकल अभी तेज नहीं हुई सिन्हा, पिताजी को असली बात का पता ही नहीं चलने दूंगा। कम इन। सलाम जी, आज आपने खाकसार को सुबह सुबह याद किया। 5 नंबर गोडाउन की वायरिंग में कुछ नुक्स है ना? क्यों? कुछ क्या, उसमें तो बहुत नुक्स है। इस बात को तुम्हारे सिवाय और कौन जानता है? और प्रदीप जानता है। और तो कोई नहीं जानता शायद। आज रात को मुझे मिलना। अच्छा, ठहरो, ये लो मिठाई के लिए। ये किस खाते हो? क्या मतलब? ना मतलब यानी बिना किसी खास बात के तो आप कभी एक पाई भी नहीं दागते। आपके कौन सी नई बेईमानी करनी पड़ेगी मालिक? तो को मत, रात को आना नहीं बोलना। जी कैसे भूल सकता हूँ। सलाम जी। ये प्रदीप बार बार मेरे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार उसका पूरा इंतजाम करके छोड़ूंगा।
क्या इंतजाम करोगे? बाद में जान जाओगे। सुखिया, सुखिया, तुम? ओ, आप? सुखिया कहाँ है? सुखिया चली गई। ये सब सफाई किसने की है? मैंने। क्यों, कुछ भूल की है क्या? जी हाँ, भूल की है। आपसे सब करने के लिए किसने कहा था? किसी ने भी नहीं। किसी ने भी नहीं तो आप चली आई यहाँ से? चली जाऊंगी जी, कोई घर बसाने नहीं आई मैं यहाँ। अच्छा, मैं तुम्हारी आंखों की किरकिरी क्यों कर हो उठी हूँ? मुझे देखना तक गवारा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। मैं कभी इस बात को नहीं भूल पाता कि जो आदमी मेरी माता की मौत का कारण है, आप उसी नरेश की बहन हैं। तुम क्या मुझे किसी तरह से भी रिहाई न दोगी? मैंने तुमसे जितनी दूर भागना चाहा, तुम उतनी ही मोह ममता से मुझे बांध रखने की कोशिश करती आई हो। मैं क्या करूं बताओ तुम? कुछ नहीं, फिलहाल तुम चाय पियो। वंडरफुल, क्या कहने, मान अपमान शर्म हया सबको ताक पर रख दिया। एक नीच लोफर से रोज लुक छुप कर मिलने आती हूँ। इनकी माता की मृत्यु हो गई है इसलिए... इस तरह तो सड़क पर हजारों भिखारी रोज मरते हैं, इससे तुम्हें क्या? बेशर्म कहीं, अपनी बहन को डांटना फटकारना हो तो अपने घर में जाके जाके फटका लिया। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। खबरदार, आइंदा ऐसी हरकत ना हो। तो सड़कों पर हर रोज सैकड़ों भिखारी मरते हैं। से मुझे कोई भी मोह नहीं, लेकिन खुदकुशी करने से पहले उन लोगों से जो मेरी मां की मौत के कारण है, अपने ऊपर किए गए जुल्मों का बदला जरूर लूंगा। उनके मिल को जलाकर राख कर दूंगा। पिताजी, पिताजी जल्दी चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। है? अनर्थ कैसा बेटा? कहते हो ये चिट्ठी पढ़ के देख लीजिए।
क्या बात है बेटी? आप भी चलिए जाता जी, मैं रास्ते में आपको सारी बातें बता दूंगी। कुछ हो गया लक्ष्मीदास, एक मिनट रुकना भी खतरनाक है। चलिए चाचा जी। चलो बेटी। तो पास वाली मजदूर बस्ती का बच्चा बूढ़ा औरत मर्द कोई बचेगा? वो बचेंगे या मरेंगे ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम इस मतलब के लिए रुपए खा चुके हो, आग लगानी ही पड़ेगी। तुम वहां से मामला शुरू करके एक तरफ हट जाना। इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता इसकी फिक्र तुम्हें क्यों? फिक्र नहीं कर रहा छोटे मालिक, लेकिन मैंने तो रुपए गोदाम में आग लगाने के लिए लिए थे ना, इंसानों का खून करने के लिए तो नहीं लिए। ये लो, इस काम के लिए 100 रुपया और देता हूँ। 100 रुपए? इतने सारे बेगुनाहों की जान की कीमत आपने सिर्फ 100 रुपए लगाए मालिक? मेरे पास वक्त जाया करने के लिए नहीं है। ये लो 500 रुपए और सीधी तरह जाकर आग लगाओ। 500, 100, 600। बिहारी। कौन? गुरुदेव जी, आप यहाँ? जो काम तुम करने जा रहे हो वही काम मैं भी करने आया था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। अब मैं तुमको काम हरगिज नहीं करने दूंगा। अगर मैं आपकी ये बात ना मानूं तो? तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जरा से रुपयों के लिए तुम बेकसूर आदमी की जान से खेलोगे? बिहारी, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे हैं, मैं उन्हीं की दुहाई देकर तुमसे कहता हूँ। तुम इस वक्त मिल में क्या कर रहे हो? जिस काम के लिए आप बिहारी को भेज रहे हैं उसे मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम रोकने वाले कौन होते हो? बिहारी, जाओ अपना काम करो। कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। रामदीन, चलो अपने रुपए। रामदीन, दोनों में से एक भी ना जाने पाए। जीते जी खाई उसका हाथ नहीं लगा सकता। आपने मुझे बुलवाया? हाँ, बैठो। केस की पूरी तैयारी हो गई? जी हाँ। प्रदीप को मैं एक अच्छा आदमी समझता रहा, लेकिन वो इतनी नीच हरकत करेगा मुझे इसकी उम्मीद भी न थी। लेकिन नरेश जी को तो शुरू से ही उस पर शुभा रहा। हाँ, ये देखो तो चिट्ठी प्रदीप के हाथ की लिखी हुई, मीना को उसके घर से मिली है। ये तो रामबाण है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि प्रदीप ने ही नरेश का खून किया है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता। पिताजी। हाँ? आप अभी तक सोए नहीं? नींद ही नहीं आ रही बेटी। तो भी तो नहीं सोई, रात ज्यादा हो गई। जा अब सो जा। कुछ कहना चाहती है क्या? प्रदीप जी का केस कल ही है ना? हाँ पिताजी,
प्रदीप जी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी जो मैंने आपको दी थी वो कहाँ है? वो तो मैंने अपने वकील को दे दी। मेरे ख्याल से कसूरवार को सजा जरूर मिलनी चाहिए। बेटी क्या बात है? पिताजी हमने एक बार भी नहीं सोचा कि प्रदीप जी ने ये बात किस हालत में की। माँ की मृत्यु के कारण प्रदीप जी उस वक्त अपने होश में नहीं थे। माँ के सिवा तो दुनिया में उनका कोई नहीं था। जब वो छोटे थे उनके पिता तभी बर्मा चले गए थे। बर्मा? हाँ, फिर लौटे नहीं। सुना है आते में रास्ते में ही मर गए। रास्ते में मर गए? क्या नाम था उनका? लाला धर्मचंद जी। क्या क्या नाम बताया? धर्मचंद जी। धर्मचंद? धर्मचंद प्रदीप के पिता? जी हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यह हरगिज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये आप क्या कह रहे हैं? जानते थे उन्हें? ना ना, मैं किसी धर्मचंद को नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानता। मैं किसी को नहीं जानता। धर्मचंद का नाम निशान तक मिट चुका है। मैं उसे नहीं जानता। एक नंबर का चोर है, एक नंबर का। एक विधवा का सारा माल डकार कर आज बड़ा आदमी बना फिरता। मैं वादा करता हूँ उन तक जरूर पहुंचा दूंगा। मैं जरूर पहुंचा दूंगा। कहो, मैं गीता को छूकर कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा मैं सच कहूंगा। मैं गीता को छूकर कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा बिल्कुल सच कहूंगा। अच्छा बिहारी, हादसे की रात को तुम मिल कंपाउंड में थे, ये बात सच है ना? बिल्कुल सच। तब तो तुमने सारी बातें अपनी आंखों से देखी होंगी। सभी को अपनी आंखों से देखना पड़ता है। दूसरे की आंखों से भी कभी देखा जा सकता है क्या? अच्छा, मुजरिम प्रदीप कुमार जो साथ गोदाम में आग लगाने जा रहा था और नरेश उसको रोकने की कोशिश कर रहा था तो? नहीं नहीं, यहाँ आपसे जरा गलती होगी हुजूर। गलती? कैसी गलती? बिल्कुल मामूली गलती, सिर्फ नामों में जरा हेर फेर हो गया है जी। मतलब ये कि नरेश कुमार जब मिल में आग लगाने जा रहा था तो प्रदीप जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी हुजूर। क्यों फजूल में बहक रहे हो? जी क्या करूं, अभी आपके सामने और जज साहब के सामने मैंने गीता छूकर कसम खाई है कि झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। उस सिखाई हुई बातें सब भूल गया। बिहारी क्या बेईमानी बात कर रहे हो? नरेश जी अपने गोदाम में आग लगाकर अपना ही नुकसान क्यों करते? हुजूर, गोदाम का सारा माल निकाल कर वो तो पहले कहीं बेच बाँट चुके थे और फिर अपने बाप को धोखा देने के लिए उन्होंने गोदाम में सिर्फ भूसा भर के रखा हुआ था। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता तो चल के गोदाम देख लीजिए। मिलोर्ड, हॉस्टाइल विटनेस, मालूम होता है मुजरिम के आदमियों ने मेरे गवाह को कुछ देकर फोड़ लिया है। आई प्रोटेस्ट योर ऑनर, योर ऑनर एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, मरहूम नरेश जी बिहारी को रिश्वत देकर गोदाम में आग लगवाना चाहते थे, लेकिन क्यों, इसकी वजह आसानी से समझी जा सकती है। मिल का मैनेजर बनने के बाद उन्होंने अपने पिता परशुत्तम लाल के तरीकों को छोड़कर नई नई तरकीबें चलानी चाहिए और नए नए आर्डर पास करने लगे। उन आर्डर से मिल में काम करने वाले घबरा उठे। उन सब ने प्रदीप जी को अपना लीडर बनाया, इसलिए प्रदीप के साथ। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारे पास जो सबूत है उससे मैं केस को बिल्कुल पलट दूंगा। कौन सा सबूत? प्रदीप जी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी जो आपने मुझे दी थी। कहाँ है वो? इसी फाइल में। बाबू का चाल चलन काफी खराब था, मजदूरों को परेशान करने में उन्हें खुशी होती थी। आई प्रोटेस्ट योर ऑनर, किसी मरहूम के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना किसी को भी जेब नहीं देता। ऑर्डर, ऑर्डर, प्रोसीड। योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रदीप जी बिल्कुल बेकसूर है। अगर इनकी कोई गलती है तो सिर्फ इतनी कि इन्होंने नरेश बाबू को गोदाम में आग लगाने से
रोकने की कोशिश की थी। अगर इनका कोई कसूर था तो सिर्फ यही कि इन्होंने उस गोदाम के पीछे रहने वाले हजारों बेकसूर मजदूरों को आग में झुलसे जाने से रोकने की कोशिश की थी। योर ऑनर एंड ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, मैं यही अर्ज कर देना चाहता हूं कि सारी हकीकतों करने के बाद प्रदीप जी को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। ये बिना बात यानी हमारा वकील क्या बोलता है शेख? योर ऑनर एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, मेरे महतरम दोस्त वकील सफाई ने प्रदीप के बारे में जो बातें कही वो सुनने में जरूर मीठी हैं और बहुत मुमकिन है कि उनकी जोरदार अपील का असर मुझ पर भी होता, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे पहने हुए भयानक खूनी है। I protest your honor. Objection overruled. Proceed. प्रदीप खूनी है। वारदात की रात को मरहूम नरेश जी को आग लगाने से रोकने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो तो उनको जान से मार डालने का पक्का इरादा करके वहां गया था। I demand the proof. Your honor, इस बात का सबूत चाहिए। Exactly. सबूत जरूर चाहिए और मेरे पास वो है। मुजरिम के अपने हाथ की लिखी हुई चिट्ठी एक ऐसा सबूत है जो वकील सफाई की लंबी चौड़ी और दिल को हिला देने वाली तकरीर को बिल्कुल खोखला साबित कर देगी। Let him produce the evidence, your honor. I am going to do so. कंधों पर बिठा के तुम्हारा जुलूस निकमिल में एक मीटिंग करेंगे। तो बाबू अब तुम यहां नहीं रहोगे? नहीं सुखिया, यहां मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप चला जा रहा हूं। कहां जाओगे? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। और सुखिया ये लो, बहुत दिनों तक तुमने इस घर को अपना समझ के सेवा की है, उसको देखते हुए तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका, मगर फिर भी पैसों की कोई बात नहीं बाबू, तुम माँ बेटे से जो प्यार और अपनापन मुझे मिला इसके अलावा और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन कभी वापस लौटे तो मुझे जरूर खबर देना। हाँ, कभी वापस लौटा तो तुम्हें जरूर खबर दूंगा। सुखिया जरा एक पुली बुलवा दोगी? अच्छा, बुलाती हूँ। मैं तुमसे माफी मांगने आया। माफी मुझसे? बल्कि माफी तो मुझे ही आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि आपको इतना बड़ा सदमा मेरी ही वजह से पहुंचा है। यही तो किस्मत का मजाक है प्रदीप। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ प्रदीप, मुझ पर बहुत सा कर्ज लदा हुआ है, अपने दोस्त का कर्ज, अपने वादे का कर्ज, जिसे मैं सिर्फ टालना ही चाह रहा था। शायद इसीलिए कुदरत ने इस कदर बेरहम होकर मुझसे बदला लिया। मुझे इस बंधन से छुड़ा दो प्रदीप, मेरा सब कुछ ले लो। मैं सब कुछ क्यों ले लूं? इसलिए कि ये दरअसल सब कुछ तुम्हारा है। मेरा है? कैसे? मरने से पहले तुम्हारे पिता ने जो पूंजी मुझे अमानत के तौर पर सौंपी थी, वही तो मेरी मौजूदा मान और इज्जत और शान और शौकत की बुनियाद है। मेरे पिता ने? हाँ प्रदीप। मुझे तो इस सब एक सपना सा लग रहा है। नहीं प्रदीप, यह हकीकत है। आओ मेरे साथ चलो। चलो भी चलो। इस तस्वीर और इस चिट्ठी को देखकर तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। अब तुम ना नहीं कर सकते, तुम तो जानते हो मेरा कोई नहीं, इस बुढ़ापे में इतना भारी बोझ मैं कैसे संभाल सकूंगा, तो मुझे जिम्मेदारी से छुटकारा दिला दो प्रदीप। हाँ कह दो प्रदीप, कह दो। हाँ नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी मां ने कितनी मुसीबतें उठाई, कितनी गरीबी में रहकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज जब वही नहीं रही तो मैं सब लेकर क्या करूंगा? ये तुम्हारे अकेले की बात तो नहीं प्रदीप, ये तुम्हारा फर्ज है। मिल की भलाई के लिए, मिल में काम करने वाले हजारों मजदूरों की भलाई के लिए भार तुम्हें लेना ही पड़ेगा। कह दो हाँ प्रदीप। हाँ
तुम्हारे मुंह से हार सुनकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा सुखी रहो, खुश रहो बेटा। पिताजी ने कहा है कि जाने से पहले मुंह मीठा करके ही जाइएगा। मीना, आखिर तुमने मुझे रिहाई नहीं दी ना। मीनू, एक बहुत बढ़िया पिक्चर आई है, मैं दो टिकटें। अरे यार, I'm very sorry, लेकिन ये टिकटें ही क्यों फजूल जाए, आप ही दोनों जाकर। ये रही, इतनी मिठाई।